नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली में 4 सितंबर को होने जा रही मां रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी ने 4 सितंबर को कुमाऊं मंडल के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली चलो मां रैली की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, साथ ही भाजपा की सरकार में कई घोटाले भी हो रहे हैं। पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है, जिसके विरोध में दिल्ली में महारैली निकाली जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल राजा ने कहा कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में होने वाली कांग्रेस की महारैली में उत्तराखंड के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस रैली के माध्यम से कांग्रेस की एकजुटता दिखाई देगी। वहीं इस मौके पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हिदेश और संजीव आर्या समेत कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। हमारी जो 4 तारीख की महारैली है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, ये रामलीला मैदान दिल्ली में होनी है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक उसमें भागीदारी कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि विपक्ष जो है लगातार राष्ट्र के संग हो रहे जो धोखे हैं उसके विरोध में सरकार को चेताने का काम करें, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। और गढ़वाल मंडल की बैठक हम पहले ले चुके हैं और आज करीब 24 तारीख को हमने गढ़वाल मंडल की बैठक देहरादून में ली थी और आज कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्षों को और वहां के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये 4 तारीख की रैली की तैयारी है। साथ में 7 सितंबर से जो 150 दिन की रैली हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है, 3,600 किलोमीटर की, उसके विषय में भी विचार विमर्श इसमें होगा। उत्तराखंड एक भ्रष्टाचार के हब के रूप में देश के सामने आज हुआ है और जो बहुत ही दुखद है, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती के घोटाले हों, चाहे वो 2016 के हों चाहे 2020-21 के हों, सचिवालय में भर्ती में घोटाला सामने आया है। कॉपरेटिव का घोटाला पहले ही गणेश गोदियाल जी ने उठाया था, जिसमें कई नियुक्तियाँ निरस्त भी की गई और माना है विभाग ने कि घोटाले हुए हैं। उसके अलावा पुलिस का है, लेक्चरर भर्ती में चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और उसके अलावा विधानसभा का मैटर, और विधानसभा का विषय जो है लोग घुमा रहे हैं। लेकिन हमने लगातार, कांग्रेस ने पहले दिन से कहा है, 2002 से लेके अभी तक की जितनी भर्तियाँ हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए। जब जब परीक्षाएं हुई हैं उस सबकी जाँच होनी चाहिए। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है, व्यापम घोटाले में संलिप्त रही है और जो ब्लैक लिस्टेड है कंपनी, उसको अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षाएं करने की जिम्मेदारी दी गई, जो व्यापक घोटाले में संलिप्त है और जो ब्लैक लिस्टेड है, काली सूची में है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग क्यों, जो जो अन्य संस्थाएं हैं जिन्होंने परीक्षाएं की हैं उन सब की जांच राज्य सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा है, माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, उनकी देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत साफ है तो वह माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संरक्षण में सीबीआई की जांच हो, जिससे कि अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।